विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओरछा की पुरातत्व की इमारतों को प्रशासन द्वारा खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। लेकिन वहीं ओरछा का आवागमन बंद होने से स्थानीय नागरिकों में नाराजगी भी दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि धार्मिक व पर्यटन नगरी ओरछा में कोरोना काल के समय पुरातत्व के स्मारक जिनमें चतुर्भुज मंदिर, जहांगीर महल, अभिलेखागार सहित कई इमारतों को बंद कर दिया गया था, जिसमें पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कई व्यापारी आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे। साथ ही इन लोगों पर रोजी रोटी का संकट भी आ गया था। लेकिन शनिवार को शासन द्वारा स्मारकों को खोले जाने की खबर आती ही स्थानीय गाइडों में खुशी की लहर छा गई है। वहीं स्थानीय गाइड हेमंत गोस्वामी ने बताया, फिलहाल देशी पर्यटक आने से हम लोगों का काम चालू हो गया है। वहीं गाइड संजय यादव ने बताया कि पूर्व में विदेशी सैलानियों के आने से उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन अब फ्लाइट बंद हो जाने से वह लोग केवल जेब खर्च ही निकाल पा रहे हैं। गाइडों ने प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा, स्मारक खुले से प्रशासन ने हमारे जख्मों पर मलहम लगाने का कार्य किया है। शासन प्रशासन की इस कार्य की जहां गाइड तरफ तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं स्थानीय होटल व्यवसायी व जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक ओरछा का आवागमन नहीं खोला जाएगा, तब तक स्मारकों में लोग नहीं पहुंच पाएंगे। कोरोना काल के बाद जो ये मध्य प्रदेश शासन ने और भारत वर्ष में पर्यटक स्मारक बंद कर दिए गए थे, उससे पर्यटन व्यवसायियों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। मगर अभी 15 तारीख को मध्य प्रदेश एवं भारत के सारे स्मारक खोल दिए गए हैं और निश्चय ही इससे जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनकी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा तो नहीं मगर थोड़ा बहुत सुधार जरूर आएगा। चूँकि पर्यटन देशी और विदेशी पर्यटकों पर निर्भर रहता है, विदेशी पर्यटक जब भी आए मगर देशी पर्यटन भी मध्य प्रदेश पर्यटन का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो धीरे धीरे पर्यटकों की आमद शुरू होगी और हम लोगों की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर जाएगी। इसी तारतम्य में मैं मध्य प्रदेश शासन का पर्यटन व्यवसायियों की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट कर। मध्य प्रदेश कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक 15 जून से सभी पुरातत्वीय संग्रहालय और अभिलेखागार खोल दिए गए, लेकिन यहाँ पर यह स्थिति हुई है ओरछा नगर में कि चारों तरफ से जब रास्ते बंद हैं तो अभिलेखागार या संग्रहालय या पुरातत्व में क्या चील कौवे आएंगे कहाँ से गुलजार होगा। शासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम शासन की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप तो यहाँ का प्रशासन कार्य करे। प्रशासन चारों तरफ से रास्ता बंद करें और लोग बाग उसमें जो है इस तरह से चिल्ला रहे हैं जैसे जो है बरसात आ रही है तो मेढक चिल्लाने लगते हैं कि गुलजार हुआ। गुलजार तो जब हो जब रास्ताएं खुलें, जब रास्ता ही नहीं खुलेंगे तो गुलजार कहाँ से होगा। कोरोना काल के चलते मार्च से 15 जून तक महलों को बंद कर दिया गया था शासन के द्वारा, लेकिन कल से महलों को पुनः खोला गया है और ये कहीं ना कहीं हम गाइडों के जो जख्म थे उन पे एक मरहम लगने का काम हुआ है शासन के द्वारा। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो भी हमारे पर्यटक आएंगे हमारे ओरछा में, हम हमारे गाइड में मिलकर के कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए उनको अपनी यथासंभव जो भी सहायता हुई, जो भी घुमाने का काम रहेगा वो हम करेंगे। और कहते हैं सब लोगों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हमारे ओरछा में, क्योंकि काफ़ी दिन से महलों को बंद करके रखा हुआ था, अब सारा कुछ खुल चुका है तो हम गाइडों की एक प्रकार से मदद हो जाएगी, क्योंकि आर्थिक तंगी को बहुत झेल रहे हैं गाइड। काफ़ी समय से जो है गाइड जो है आर्थिक तंगी का वो परेशानी का सामना कर रहे हैं और शासन के द्वारा गाइडों को कभी भी कोई भी किसी प्रकार का न तो भत्ता दिया गया है और ना ही हमारे में कोई वेतन का भी प्रावधान है। ओरछा से हरीश दुबे की रिपोर्ट। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टैक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थांड्रा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी।